हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फिनिकास द पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। फिनिकास एप्लीकेशन क्या है, इसे कैसे यूज करना, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा फिनिकास एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन एक लोन एप्लीकेशन है। आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर फिनिकास एप्लीकेशन के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फटाफट यहाँ पर फिनिकास एप्लीकेशन को ओपन करके बताते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, इस एप्लीकेशन का काला सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा कि एप्लीकेशन सच में आप लोग को लोन प्रोवाइड करता है या नहीं, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं मोबाइल फोन के अंदर। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो। ओपन होते यहाँ पे आप लोगों को गेट स्टार्टर्स वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ पे हेलो सर्विस अथॉर्ट है ये आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देख रहे हो, फिर यहाँ पे कन्फर्म है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है कन्फर्म वाले बटन को। फिर यहाँ पे आपको अलाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जितना भी आपसे परमिशन मांगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आई हैव द रेड एंड एक्सपेक्ट पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन के ऊपर, इसके ऊपर आपको यहाँ पे डन कर देना है। फिर यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देना है एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे डन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक करना है एंड आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट यहाँ पे ओटीपी को डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी का वेट करते हैं, जैसे ही ओटीपी आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे ओटीपी डाल के यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। सो गाइस, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे देख रहे हो, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे एक माय लोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। माय लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे करंट ऑर्डर और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे गो टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो आप लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, कैश कूपन और यहाँ पे नो डाटा और यहाँ पे हेल्प सेंटर और कुछ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर हिस्ट्री और सेटिंग वगैरह के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग वगैरह देख सकते हो, कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई वगैरह करना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे लोन के बारे में बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे 40,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है और अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लोग को 2,000 रुपये चाहिए तो 2,000 रुपये का लोन ले सकते हो। अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे लोन के लिए बढ़ा भी सकते हो। टाइमर आप लोग को कितने का, 2,000 का चाहिए या 20,000 का चाहिए, जो भी आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब ट्रून की लोन की बात करो तो 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक आप लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो, अगर आपको बढ़ाना है तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को 4 स्टेप के अंदर आप लोग को यहाँ पे लोन मिल जाएगा। जैसे आप लोग को बैंक इन्फो और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन, बेसिक बैंक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे आपका फोटो वगैरह आप लोग को लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट में बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोग को फिल करना है। जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, माता पिता का नाम, बेसिक कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह आपको फिल करना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे सेकेंड आपको कॉन्टेंट, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह, अपने अपने किसी रिश्तेदार या परिवार में भी किसी का मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हो आप लोग यहाँ पे, और बैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर फिल कर देना। और यहाँ पे फिल करने के बाद इसके ऊपर आपको डन कर देना एंड डन करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है और इस एप्लीकेशन के अंदर हम जो भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे ये एप्लीकेशन हमें लोन देता है या नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाना है एंड यहाँ पे आपको रेटिंग वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेव ऑल पर रेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे रेटिंग वगैरह पढ़ सकते हो एप्लीकेशन का। और यहाँ पे आपको पॉजिटिव और यहाँ पे क्रेडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का रिव्यू देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर नोट अपडेट और यहाँ पे एक भाई ने लिखा हुआ है डोंट डाउनलोड दिस ऐप ओनली डाटा कलेक्शन फेक एप्लीकेशन है गाइज। और यहाँ पे आप लोगों को ये भाई ने लिखा है नोट गिविंग लोन डाटा कलेक्टिंग ओनली। तो भाई, इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई वगैरह मत करना, क्योंकि इन सब भाई लोग ने यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे देख सकते हो अच्छा सा यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है कि अपने हिसाब से कि एप्लीकेशन के अंदर लोन वगैरह मतलब ये एप्लीकेशन आपको कोई भी लोन प्रोवाइड वगैरह नहीं करता है। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन फेक है और ये एप्लीकेशन पूरी तरह से फेक है, आपको कोई भी लोन प्रोवाइड वगैरह नहीं करता है। तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई वगैरह मत करना। अगर आपको हमारी छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो किस लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।